नमस्कार, मैं हूं देवाशीष और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेक न्यूज। पहला न्यूज ये है कि वीवो के S9 स्मार्टफोन को 3C सर्टिफिकेशन में स्पॉट किया गया है। इसमें आपको 4000 mAh के बैटरी और 33 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। इसमें आपको 44 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और ये एक पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें मीडिया टेक डायमेंसिटी 1100 SoC को यूज किया जाएगा। अगला न्यूज फौजी गेम से आ रहा है। फौजी गेम जब लॉन्च हुआ था इसका रेटिंग 4.5 स्टार था, लेकिन ये अब गिर के 3.2 स्टार में आ गया है। इंडिया में जब पबजी बैन हुआ तभी फौजी गेम का अनाउंसमेंट हुआ, तभी इंडियन मार्केट में इसको एक पबजी का रिप्लेसमेंट देखा गया था, लेकिन इसमें पबजी जैसा कोई भी फीचर नहीं था और ये पबजी के जो यूजर एग्जिस्टिंग है उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो इसलिए इसका रेटिंग 3.2 स्टार तक गिर गया है। अगला न्यूज भी फौजी की तरफ से आ रहा है। फौजी ग्लोबली लॉन्च हो गया है, लेकिन कब इसका iOS वर्जन लॉन्च होगा इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। अगला न्यूज Xiaomi की तरफ से आ रहा है। Xiaomi ने क्वाड कर्व्ड वाटरफॉल डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट को अनवील किया है। जिस फोन में इस डिस्प्ले को यूज किया जाएगा उसके चारों तरफ आपको कोई भी बटन या पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ सेंसर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। जो न्यूज है वो एप्पल के तरफ से आ रहा है। एक रिपोर्ट से ये निकल के आया है कि एप्पल अपना मिक्स्ड रियलिटी वाला हेडसेट 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च करेगा। इस हेडसेट में आपको VR एंड AR दोनों का फीचर देखने को मिलेगा। इसमें आपको 8K रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। ये $3000 में लॉन्च होगा और इसका इंडियन प्राइस लगभग 2,20,000 के करीब रहेगा। तो आज के टेक न्यूज में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। मैं आपके लिए रेगुलर ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आता रहूंगा।